हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम मतलब सेहत का मौसम। तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और पूरे दिन एनर्जी देगी, हड्डियों को भी मजबूत बनाएगी। ये रेसिपी हम बिना चीनी, बिना चाशनी और बिना काजू बादाम की बनाएंगे। तो चलिए ये हम टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तिल पीनट बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम मूंगफली। इस कप से नाप कर देखें तो 2 कप मूंगफली लेनी है हमें। मूंगफली को हम एक पैन में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 कप नाप करके मैंने मूंगफली ली है। अब यहाँ पर हम पैन को रखेंगे गैस पर, गैस को यहाँ पर ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम गैस को रखेंगे और मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। हमें मूंगफली को इतना भूनना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए, साथ ही इनके छिलके भी आसानी से निकल जाएँ। तो यहाँ पर मूंगफली अच्छे से भुन गई हैं तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जिस कप के नाप से मूंगफली ली थी उसी कप के नाप से एक कप मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल ले रही हूँ। वज़न में ये 100 ग्राम है। इसे भी हम वापस से पैन में डालेंगे और गैस को रखेंगे हम लो फ्लेम पर और इन्हें भी हम हल्का सा 2 से 3 मिनट भून लेंगे जिससे इनका कच्चापन खत्म हो जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर इनमें आ जाए। बस हमें इतना ही इसे भून लेना है। तो यहाँ पर तिल भी अच्छे से भुन गया है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम एक मिक्सर जार, इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली ठंडी होने के बाद मैंने इनके छिलके हटा दिए थे इस तरह से, तो इनको हम इसमें डाल लेंगे। साथ ही यहाँ पर तिल भी ठंडा हो गया है तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ों को हम मिक्सर में चलाते हुए पीस लेंगे। हमें इन्हें दरदरा पाउडर कर लेना है, इनका हमें दरदरा पाउडर बना लेना है इस तरह से। अब हम इनको एक बर्तन में डाल देते हैं। यहाँ पर इसमें हमें डालना है 1 चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच सौंठ। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सौंठ हमारे लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब वापस से हम गैस पर रखेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। गैस को हम यहाँ पर लो फ्लेम पर रखेंगे। घी को हम यहाँ पर मेल्ट होने देंगे और इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ मैंने यहाँ 400 ग्राम लिया है, 200 ग्राम मूंगफली ली है और 100 ग्राम तिल, मतलब 300 ग्राम मैंने यहाँ मूंगफली और तिल लिए हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ 400 ग्राम गुड़ लेंगे। गुड़ हमें 100 ग्राम ज़्यादा ही लेना है और यहाँ पर हम गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। हमें यहाँ पर गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, मेल्ट करना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। हम यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे तो इसे हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा और फिर हम इसे लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। बिना पानी के ही हम इसे मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें एक भी गुठलियाँ या लम्स नहीं रहे। तो इस तरह से हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो गैस को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और जो हमने मूंगफली और तिल का दरदरा पाउडर बना के रखा है वो सारा हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे।
गुड़ में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और बहुत फ़ायदा करता है ये सर्दियों में, इसलिए हमें सर्दियों में गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, हमें यहाँ पर गैस को ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही सेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा अपने आप ये गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पर हम एक प्लेट या थाली इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसको घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से मैंने चारों तरफ इस प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो मिक्स है गाढ़ा हो गया है, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट पर डाल देंगे। ये धीरे धीरे अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो अपने आप से ये सेट हो जाएगा, हमें इसे पकाने की या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस सारे मिक्स को ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप किसी भी स्पैचुला या चम्मच की सहायता से इसे फैला दीजिए। तो मैंने इसे अच्छे से इस तरह फैला दिया है। मैंने इसमें मूंगफली को कट करके इस तरह से गार्निश कर दिया है। यहाँ आप बादाम भी लगा सकते हैं पर मैंने इसमें बादाम काजू का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसमें मूँगफली ही यूज़ की है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। हमें इसे 30 से 40 मिनट ठंडा होने के लिए रखना है, तो यहाँ मैंने डायमंड शेप में कट कर दिया है इसको। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट दानेदार हमारी तिल पीनट बर्फी बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। जितना बनाने में ये आसान है उतना ही ये टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही सॉफ्ट दानेदार तिल पीनट बर्फी बनके तैयार है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, हेल्दी है, टेस्टी है और घर के बहुत कम सामान से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।